अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात नाहम की जो हिस्सा नज़म की पहली नज़म हम्द है उसकी मशक करेंगे। तशरीह हम इसकी मुकम्मल कर चुके हैं, आज के इस लेक्चर में हम इसकी मशक करेंगे। तो मशक में सबसे पहले हम्द के हवाले से दर्ज ज़ैल सवालात के जवाब लिखिए। तो सबसे पहले हैं मुख्तसर सवालात। तो पहला सवाल है, कौन सा बंदा हम्द सरा है? तो यहाँ पे नज़म हम्द में शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली ने खुद को नाफरमान बंदा कहते हुए जो है हम्द सरा कहा है, मतलब उसने अपने आप को ही जो है हम्द सरा कहा है। तो यहाँ पर बंदा कौन है? मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा सवाल है, किसका हक सबसे मुकद्दम है? तो अल्लाह ताला का हक सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। तीसरा सवाल है, महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है? ये अल्फाज मायने में भी शायरी के दौरान मिलता है कि महरम होता है वाकिफ़ और ना महरम यानी ना वाकिफ़ जानने वाला और ना जानने वाला। तो महरम से मुराद कि जो किसी चीज़ से वाकिफ़ हो, किसी जिसके बारे में बंदा कुछ जानता हो, मतलब जानता हो, वाकिफ़ हो। और ना महरम का मतलब है कि ना जानने वाला। अल्लाह ताला के बारे में जानने के हवाले से महरम और ना महरम में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं कि जो जानता है वो भी वैसा है, जो नहीं जानता वो भी वैसा ही है। तो यहाँ पर महरम और ना महरम, महरम जानने वाला और ना महरम ना जानने वाला या ना वाकिफ़। लेकिन अगर हम्द के हवाले से देखें तो महरम और ना महरम दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है, चौथा सवाल सॉरी हमारा है, अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है? तो अल्लाह ताला का जो गदा है वो अपनी कमली में मगन रहता है। हमने तशरीह में भी कहा था, वो अपनी कमली में यानी अपनी गुड़ी में, अपनी छोटी चद्दर में या कंबल में ही वो मगन रहता है। तो नज़म के हवाले से अगर हम देखें तो वो अपनी कमली में ही मगन रहता है। अगला सवाल है, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? तो बादे सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है, या हमारे बिल्कुल इस शेर में भी घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा दे रहा। तो बादे सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है। उसके बाद अगला सवाल है, इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात बयान की हैं? तो नज़म हमने सारी पढ़ी है, उनके मुताबिक जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करो। वैसे तो बहुत सी सिफ़ात के मालिक है हमारे तलाकज़ा जो है, बहुत सी सिफ़ात के मालिक है। लेकिन जो इस हम्द में बयान किया हमने वो बयान किया कि इस नज़म हम्द में खुदा ताला की कब्ज़ा कुदरत की बात की गई है, तो अल्लाह के हक अदा करने की बात की गई है। इसके अलावा जो है अल्लाह का पैगाम हर जगह जो है हर जगह पहुँचता है। अल्लाह ताला की ज़ात को मुकम्मल तौर पर कोई जान नहीं सकता और दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह ताला की झलक मौजूद है। उसके बाद है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज़ों मुरक्कबात के मायने लिखें। तो पहला है मुकद्दम। तो ये मैंने आपको तशरीह के दौरान भी जो है अशार में जो है इनके मायने जो है लिखवाए। तो मुकद्दम क्या होता है? अव्वलीन फरीज़ा, पहला या अफजल। उसके बाद है महरम। महरम बोलते हैं वाकिफ़ को, जानने वाले, वाकिफ़ या फिर जानने वाला। उसके बाद है खलते सुल्तानी यानी शाही लिबास, या फिर जो बादशाहों की तरफ से इनाम के तौर पर लिबास दिया जाता है या बहुत ज़्यादा कीमती लिबास। मुहीत यानी हावी या फिर घेरने वाला। उसके बाद है आफाक यानी दुनिया, उफक की जमा भी है, अफाक उफक की जमा भी है या फिर आसमान के किनारे को भी जो है कहा जाता है। उफक जो है आसमान का जो किनारा है जो ज़मीन और आसमान को मिलाता है उसको भी उफक बोला जाता है। तो अफाक दुनिया भी इसको हम कह सकते हैं, उफक की जमा भी है और आसमान के किनारे को भी बोलते हैं। उसके बाद बंदा नाफरमान यानी अल्लाह का हुक्म ना मानने वाला, नाफरमान बंदा। अगला सवाल है, तीसरे शेर में शायर ने महरम और ना महरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है? तो ये चीज़ हम तशरीह में भी
पहले बयां कर हो चुकी है, बता चुकी हूँ कि महरम और नामहरम को एक जैसा क्यों कहा है कि जो महरम है यानी जिसने अल्लाह ताला का राज जान लिया, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लिया, तो जब कोई शख्स अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लेता है, जान लेता है, तो उस पर जो है एक चुप लग जाती है, मतलब वो बिल्कुल खामोशी का रहता है क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता, वो जान तो जाता है लेकिन बयान करने से उसकी ज़ुबान कासिर है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को शान को बयान उस पर ऐसे हो जाता है जैसे गूंगा हो जाता है, तो मतलब वो बिल्कुल सब चीज़ों से बेनियाज हो जाता है और वो इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। इसीलिए जो है महरम और ना महरम उनको एक सा ही करार दिया गया है कि वो राज तो जान जाता है लेकिन फिर भी जानने के बावजूद भी वो किसी को बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, उसकी ज़ात शान को नहीं बयान कर सकता, फिर वो ना महरम ही की तरह है। उसके बाद 10 ज़्यादा इशारात की मदद से हमद का खुलासा मुकम्मल करें, तो यहाँ पर ये इशारात दिए हुए जिसकी मदद से आपने नज़म का खुलासा जो मुकम्मल कर रहे, तो नज़म के खुलासे के लिए क्या है कि जस्ट आप इन अशार का मफहूम भी जो है अपने अरफाव में लिख देंगे तो आपका नज़म का खुलासा जो है मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद है अराब लगाएं, ये वाला सवाल हम नहीं करेंगे, और अगर मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें, तो नज़म हमारे सामने है, तो यहीं पर आपने जो है इन मिसरों को भी जो है मुकम्मल करना है अपनी नज़म को देखते हुए। तो इसके साथ हमारी ये जो नज़म है ये मुकम्मल हो गई है हमारी, हम इसकी मशक भी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली नज़म जो है स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क में आपने जो है इस नज़म का खुलासा और इसके सवालों के जवाब ये आपने होमवर्क में, अल्लाह हाफ़िज़।